दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ ऐसे गुलकारों से आगाह करेंगे जो अगर किसी फिल्म को अपना गाना दे दे तो आधी फिल्म तो इस गाने की वजह से ही हिट हो जाती है। नंबर वन पे बात करेंगे नेहा कक्कड़ की। नेहा कक्कड़, गुलकारा नेहा कक्कड़ जो भारत की सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली गुलकाराओं में से एक है, YouTube पर इनके गानों को अब तक 4 बिलियन से ज्यादा सुना जा चुका है। ये वाहिद हिंदी गुलकारा है जिन्हें 2021 YouTube डायमंड अवार्ड मिल चुका है। इन्हें अपने बेहतरीन गानों की बना पर और भी बेशुमार अवार्ड्स मिल चुके हैं। इनका हर रिलीज होने वाला गाना सुपरहिट जाता है। On number 2 we have Arijit Singh। गुलकार अरिजीत सिंह ने भी अपने करियर का आगाज रियलिटी शो से किया, मगर इनकी शोहरत की वजह वाहिद और वाहिद आशिकी 2 में रिलीज होने वाले इनके गाने हैं, जिनको इतना पसंद किया गया कि अरिजीत को हर नई आने वाली फिल्म में गाने मिलते रहे और एक पर एक इनके तमाम गाने मशहूर होते चले गए। और 2013 से लेकर आज तक इनकी कामयाबी का दौर खत्म नहीं हुआ और वो हर साल अपने फैंस को कई बेहतरीन गाने देते हैं जो इनकी मकबूलियत की वजह से हिट होते चले जाते हैं। अरिजीत हिंदी के अलावा बंगाली गाने भी गाते सुनाई देते हैं। इनको अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पर एक नेशनल अवार्ड, एक गैमा अवार्ड और 6 फिल्मफेयर अवार्ड समेत कई अवार्ड मिल चुके हैं। बॉलीवुड में इन्हें प्लेबैक सिंगर्स के बादशाह के नाम पर जाना जाता है और इनके गानों में क्लासिकल, गजल, कव्वाल, मगरबी और सूफी छाप पाई जाती है। नंबर 3 पर बात करेंगे बादशाह की। हिप हॉप सिंगर बादशाह को कौन नहीं जानता। इनके अपने करियर का आगाज 2006 में हुआ। यो यो हनी सिंह के साथ अपने हिप हॉप ग्रुप माफिया मुंडी में इन्होंने अपने करियर का आगाज किया। इसके बाद इन्होंने 2012 में हनी सिंह से अलहदगी अख्तियार की और कर गई चिल गाना रिलीज किया गया जो सुपरहिट रहा। इसके बाद एक के बाद एक बादशाह के गाने बॉलीवुड में आते रहे और हिट होते चले गए। इसके बाद अपनी मकबूलियत की बिना पर हनी सिंह को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। इनका रिलीज होने वाला गाना डीजे वाले बाबू 24 घंटे तक इंडियन आईट्यून्स पर नंबर 1 पर रहा। इस गुलकार को भी कई अवार्ड मिल चुके हैं। On number 4 we have A.R. रहमान। A.R. रहमान का पूरा नाम अल्लाह रखा रहमान है। ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के गुलकार, नगमा निगार और प्रोड्यूसर है। इनका लिखा गया गाना चाहे ये खुद गुनगुनाए या कोई और गुलकार, इसे तो हिट होना ही है। 2010 में इन्हें भारतीय हुकूमत की जानिब से पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है जो कि मुल्क का तीसरा बड़ा अवार्ड है। इन्हें 6 नेशनल अवार्ड, 2 अकेडमी अवार्ड, 2 ग्रामी अवार्ड, बेफ्टा अवार्ड, गोल्डन अवार्ड, 15 फिल्म फेयर अवार्ड और 17 साउथ के फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं। On number 5 we have Sonu Nigam। Sonu Nigam एक गुलकार, म्यूजिक डायरेक्टर और एक अदाकार भी है। इनका अंदाज़े गुलकारी मताहों को बहुत भाता है। इन्हें बॉलीवुड सिनेमा के मकबूल तरीन गुलकारों में से एक माना जाता है। इन्हें भारतीय हुकूमत की जानिब से पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। फन के शोबे में बेशुमार खदमात के लिए इनके पास मुल्क के 4th बड़े शहरी होने का आजाज भी हासिल है। ये हिंदी समेत दीगर 12 से ज्यादा मुख्तलिफ भारतीय जुबानों में गाना गुनगुना चुके हैं। जुबिन नौटियाल ने भी अपने करियर का आगाज रियलिटी शो से किया जिसमें इन्हें भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। हालांकि सोनू निगम ने भी इन्हें गुलकारी में फेल करा दे दिया था, मगर अपनी मेहनत से इन्होंने सोनू निगम को गलत साबित कर दिया और बजरंगी भाईजान में कुछ तो बता गाने के लिए 8वीं मर्ची म्यूजिक अवार्ड में साल के बेहतरीन गुलकार के तौर पर अवार्ड से नवाजा गया। 2022 में इन्हें राता लम्या गाना के लिए आईफा अवार्ड से भी नवाजा गया। इनका हर नया आने वाला गाना ट्रेंड जरूर पकड़ता है। On number 7 we have आतिफ असलम। दोस्तों पाकिस्तानी गुलकार और अदाकार आतिफ असलम को तो आप जानते ही होंगे। इन्होंने भारत को भी बेशुमार गाने दिए और इनका यूनिक वोकल टेक्सचर दुनिया भर में पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि अरिजीत भी इनकी आवाज की तारीफ करते दिखाई देते हैं। ये उर्दू, हिंदी, पंजाबी, पश्तो और बंगाली जुबान में गाने गा चुके हैं। इन्हें भी अब तक बेशुमार पाकिस्तानी और भारतीय अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये भारतीय म्यूजिक कंपनी जी म्यूजिक, सोनी म्यूजिक,
टी सीरीज के साथ बहुत काम कर चुके हैं और बॉलीवुड में इनके गानों को बहुत मकबूलियत मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव श्रिया घोषाल। श्रिया घोषाल ने 4 साल की उम्र से ही मौसीकी शुरू कर दी थी और 6 साल की उम्र तक क्लासिक मौसीकी को बाकायदगी से सीखना शुरू किया और फिर 16 साल की उम्र में इन्होंने रियलिटी शो सारेगामा पर जीत कर अपने करियर का आगाज किया और बेशुमार सुपरहिट गाने दिए। इनको अब तक 4 नेशनल अवार्ड और 7 फिल्म फेयर अवार्ड, 10 साउथ फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों ये उन गुलुकारों की लिस्ट है जो अपने गानों से मताओं को उस फिल्म की गॉसिप्स करने पर मजबूर कर देते हैं और इसी तरह ये गुलुकार बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत अहमियत रखते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आमना आदर को दे इजाजत, आपसे मिलेगी एक नई मजेदार सी एंटरटेनमेंट से भरी वीडियो के बाद। आप से चाहेंगे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।